Yes, we have to calculate how much we have consumed. If it is charitable hospital, then we have to calculate how much medicine we have consumed. If it is sports club, then we have to calculate how much sports material or equipment consumed during the year. If it is ordinary club, means entertainment club, then there may be consumption of stationery. Then we have to calculate how much stationery we have consumed. Consumed, that is expense for the charity, expense for the not-for-profit organization. And this is to be shown in income expenditure account. अब बोलो, पहले तो ये बात समझ आई कि मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि अपन जितना कंज्यूम का मतलब होता है खर्च करें। अगर अपने, मैंने कल एक एग्जांपल भी दिया कि अगर ये निकालना हो कि अपन ने पूरे महीने भर में अपने घर में कितनी शक्कर खर्च हुई, तो शक्कर कंज्यूम होने का मतलब खर्च होना, और खर्च होने का मतलब वो अपने लिए इनकम है कि एक्सपेंडिचर है। मैंने कहा था कि 10 किलो शक्कर खरीदी अपन ने महीने के शुरू में, लास्ट में 3 किलो शक्कर बच गई, तो इस महीने में कितनी शक्कर खा ली अपने पूरे परिवार ने? 7 किलो। तो 7 किलो शक्कर जितने में अपन ने खरीदी वो अपना एक्सपेंस हो गया, ठीक है? तो ये अपना एक्सपेंडिचर। तो ऐसे ही अपन को नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेंस कैलकुलेट करना होता है जो कंजम्पशन से रिलेटेड है। कल मैंने इक्वेशन लिखाई थी, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर कंसिस्ट ऑफ 2 पॉइंट। वन इज कैश परचेज, सेकेंड कैश पेड टू क्रेडिटर्स। क्लियर? अगर अपन ने कैश में खरीदा, ये दोनों ही अपन को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मिलेगा। रिसिप्ट पेमेंट में पेमेंट साइड में होता है सपोज बाई स्टेशनरी या बाई मेडिसिन, ठीक? और सेकेंड होता है पेमेंट यानी बाई क्रेडिटर्स ऑफ स्टेशनरी, क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन। हाँ हर्ष बोलो, क्या जरूरत भैया? मेरे पास में कोई रास्ता नहीं है, मैंने तो बिल्कुल फिक्स कर रखा है। मोबाइल भी तो ब्लर होने का सवाल लगता नहीं है। मैं कैमरा और साफ कर लेता हूँ कपड़े से एक बार। एक मिनट रुको। अब देखो शायद थोड़ा साफ होगा। चलो अभी दोबारा वो लिखते हैं, उसको डार्क वाले पेन से लिखेंगे तो शायद इतना ब्लर नहीं आएगा। पहले एक बार इसको समझ लेते हैं हम। तो सबसे पहले लिखा है अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो दो चीजें होती है, कैश परचेज और पेड टू द क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को पे करते हैं उसका। फिर आता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग का मतलब इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, क्लोजिंग का मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर। स्टॉक जो पहले से अपने पास पड़ा है, मेडिसिन का चाहे स्टेशनरी का किसी का भी। दूसरा क्लोजिंग स्टॉक, एक मिनट और थोड़ा पास ले आते हैं इसको कैमरे को। अब थोड़ा क्लियर हुआ क्या? देखो अरे, अब क्लियर हुआ क्या? देखो फिर आता है क्लोजिंग क्रेडिटर्स, मींस क्रेडिटर्स एट द एंड ऑफ करंट ईयर, यानी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग या क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो क्लोजिंग यानी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग लेस करते हैं। ओपनिंग प्रीपेड,
ओपनिंग का मतलब प्रीवियस ईयर में एडवांस में पे कर दिया, वो इस साल का होता है इसलिए अपन ऐड करते हैं, और इस साल का प्रीपेड होता है वो नेक्स्ट ईयर का होता है इसलिए अपन लेस करते हैं। ये करके अपन जो निकलता है उसमें से अगर कोई मटेरियल अपन ने सेल किया तो उसको लेस कर देते हैं, दैट इज सेल ऑफ मटेरियल, तो अपने पास आंसर आ जाता है। अब मैं एक मिनट इंक दूसरी डाल लेता हूँ ताकि एक बार विजिबल हो जाए। आप देखो क्वेश्चन निकालो, पहले 26 मत निकाला, पहले निकालो 27, 27 का भी सेकंड पार्ट निकालो पहले। सबसे पहले ढूंढो इसमें अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, इसमें लिखा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन अप्रैल 2020 मींस ओपनिंग, पेमेंट मेड फॉर द स्टेशनरी ड्यूरिंग द अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर 5400, और स्टॉक ऑन 2021 यानी क्लोजिंग स्टॉक। तीन ही चीजें दे रखी है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और अमाउंट पेड। अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर 5400, ये थोड़ा साफ आया। एट ओपनिंग स्टॉक, देखो ओपनिंग स्टॉक कौन सा है, 1500, तो 1500 प्लस करना तो आएगा 6900, और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक 250, तो 250 लेस ये आ गया 6650, न ये दे रखा है न ये दे रखा है न ये, तो आंसर फाइनली आ गया 6650। ये समझ आया क्या? ये तो सबसे आसान वाला था, मैंने कुछ नहीं किया। इक्वेशन सबसे पहले लिखना है हर केस में, क्वेश्चन में पढ़ो, देखो तीन चीजें दे रखी है, स्टॉक ऑन अप्रैल, जो अप्रैल में दे रखा है वो ओपनिंग होता है, जो मार्च में दे रखा है वो क्लोजिंग होता है। क्लियर है बात? और क्वेश्चन में दे रखा है अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है 5400, अपने लिख दिया अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर 5400, एड किया ओपनिंग स्टॉक 1500 तो ये हो गया 6900, क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दिया जो मार्च 31 का 2021, तो रिमेनिंग रह गया 6650। ये बाकी 1 2 3 4 दे ही नहीं रखे तो अपन ने कुछ किया नहीं। करो जल्दी, जल्दी करके वापस इक्वेशन लिखो, बार बार इक्वेशन लिखनी है ताकि अपन को याद नहीं करना पड़ेगा, अपने आप याद हो जाएगा। करो भाई हो गया। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दी नहीं, अपन को अपनी क्लास हमेशा हर सैटरडे को होगी।
अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अगले वाले में देखो, स्टॉक ऑन अप्रैल 2020, ये कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग या क्लोजिंग? क्रेडिटर्स ऑन अप्रैल 1st 2020, ओपनिंग और क्लोजिंग? ओपनिंग। और स्टॉक ऑन, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31st मार्च 2021, ये कौन सा स्टॉक है, क्लोजिंग। और अपने पास दे रखा अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर 5400। सबसे पहले अपन को ढूंढना होता है अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो पहले अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर सेम है 5400। अब अपने पास क्या दे रखा है, स्टॉक 1500, स्टॉक 1500 प्लस ओपनिंग, ये हो गया 6900, लेस क्लोजिंग 250, तो ये आ जाएगा 6650। अब क्रेडिटर्स में देखो, ये क्रेडिटर्स कौन सा है, ओपनिंग या क्लोजिंग? ओपनिंग, तो क्लोजिंग तो दे नहीं रखा, तो डैश ओपनिंग को क्या करते हैं, लेस। कितना ओपनिंग क्रेडिटर्स है, 1000, ये बचा आएगा 5650 डैश डैश, ये आएगा 5650। देखो ये समझ आया क्या, ये पहले वाले से भी आसान है, स्टेशनरी वो सब्सक्रिप्शन वाले से, बस ये ध्यान रखना है कि ओपनिंग है क्लोजिंग है। हाँ भाई, करो जल्दी और दोबारा लिखो इक्वेशन फटाफट। हाँ भाई, हो गया। इक्वेशन लिखो वापस, पूरी इक्वेशन लिखना, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर ए कैश परचेज, बी पेड टू क्रेडिटर्स एट ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक, एट क्लोजिंग क्रेडिटर्स लेस ओपनिंग क्रेडिटर्स, एट ओपनिंग प्रीपेड लेस क्लोजिंग प्रीपेड, सेल ऑफ मटेरियल। बार बार लिखना, बार बार मैं कह रहा हूं, उसको मानना है तुम्हें। ताकि क्या होगा, डेलिबरेटली याद नहीं करना पड़ेगा, अपने आप याद हो जाएगी इक्वेशन।
निकालो नेक्स्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी डेबिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2019 इज करेंट ईयर अब दर का स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अप्रैल 18 ओपनिंग स्टॉक ऑन मार्च 31, 2019 क्लोजिंग क्रेडिटर्स अप्रैल 18 ओपनिंग क्रेडिटर्स मार्च 31, 2019 क्लोजिंग और अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख क्वेश्चन आ गया समझ में सबसे पहले अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर एट ओपनिंग स्टॉक है 10,000 तो 1,10,000 7,500 लेस तो आएगा 1,02,500 क्लोजिंग क्रेडिटर्स को प्लस करना है कौन सा है क्लोजिंग क्रेडिटर्स ये हो गया 1,25,000 लेस ओपनिंग क्रेडिटर्स कितना है ओपनिंग 20 तो ये आ जाएगा ये जिसको ब्रैकेट में लिखते हैं ना इस ब्रैकेट में इसलिए लिखते हैं ताकि अपन को रहे कि अपन ने इसको माइनस किया तो ये आ जाएगा डैश ये आ जाएगा 1,05,000 डैश डैश और आंसर 1,05,000 करो जल्दी हाँ? ये तो दे रखा है क्रेडिट परचेज इसको अपन को निकालना नहीं होता क्योंकि अपन को तो केवल इनकम एक्सपेंडिचर में निकालना होता है और क्रेडिट परचेज निकालने का तरीका बताऊंगा दूसरा है उसके लिए अपन को बनाना पड़ता है क्रेडिटर्स अकाउंट अभी पहले इसको कर लो मैं वो भी समझा देता हूँ वो कौन होते हैं जिनको अपन जिनसे अपन उधार पे गुड्स परचेज करते हैं डेटर्स या क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स ये क्रेडिटर्स का अकाउंट है अपना ठीक अब क्रेडिटर्स में सबसे पहले बैलेंस क्रेडिट साल के शुरू में कितने क्रेडिटर्स थे बाय बैलेंस सीडी ठीक और अगर कोई पेमेंट किया अपने क्रेडिटर्स को तो वो भी लिख देते हैं देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने पास दे रखा है कि अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स 1 लाख क्रेडिटर्स को पेमेंट किया तो एंट्री क्या करते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश ये तो कैश हो गया 1 लाख शुरू ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने थे देखो ये है ओपनिंग क्रेडिटर्स 20,000 क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने हैं ठीक अब देखो निकालो तो ये आ जाएगा बाय परचेज जो उधार में परचेज किया अपन ने तो 1,25,000 लेस 20 तो ये आ जाएगा 1,05,000 अभी और एक इसमें कि एक मिनट स्टॉक 10,000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक था लास्ट में अपने पास कितना बच गया 7,500 तो 2,500 रुपए का स्टॉक का क्या हुआ अपन ने डेबिट
हजार का अपन ने सेल का मतलब अपन ने यूज कर लिया, तो कुल अपन ने परचेज कुल परचेज कितना आएगा 1,05,000, लेकिन उसमें से 2,500 का तो अपन ने यूज कर लिया पहले ही, तो नेट कितना परचेज किया अपन ने? हाँ, तो अपने पास दो रास्ते हैं, एक तो अपन यहां लिख सकते हैं डिक्रीज इन स्टॉक, और अगर इंक्रीज हुआ तो इधर लिखेंगे इंक्रीज इन स्टॉक। हालांकि अपने पास ये क्रेडिट परचेज का आना नहीं है, क्योंकि अपन को क्रेडिट परचेज अलग से शो ही नहीं करना होता, अपन को केवल डायरेक्टली इतना शो करना होता है कि अपन को इनकम एक्सपेंडिचर में कितना लिखना है। ये तो केवल तुम्हारी नॉलेज के लिए बताया। तो अभी अपने पास कितना हो गया था, 2,500 का डिक्रीज हो गया स्टॉक, पहले ज्यादा था बाद में कम हो गया, तो नेट अपने पास परचेज कितनी आ गई 1,02,500, ये क्रेडिट परचेज। इस पे अपन को ज्यादा फोकस नहीं करना है, अपन को फोकस करना है केवल इस पर। हाँ, ये हो गया पहले सबका। नहीं बना बना के रख लो, इसको याद करने की जरूरत नहीं, ऐसा आता नहीं अपने पास, पिछले 25 सालों में कभी आया नहीं। लिख लो इसको फटाफट, ताकि और खराब हो क्वेश्चन। नेक्स्ट वापस लिखो, अब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2019, 29 क्वेश्चन, वापस वही अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर 91,000। इसमें और भी कुछ चीजें हैं जो मार्च 18 का है वही 1 अप्रैल को है, तो ओपनिंग स्टॉक 50,000 प्लस 1,41,000 लेस 55 86,000 क्लोजिंग क्रेडिटर्स को प्लस 45 लेस ओपनिंग क्रेडिटर्स 37,000 94,000 और एडवांस वाला तो है नहीं, तो वापस ये रहेगा 94। अब यहां दे रखा अपने पास बुक वैल्यू 50,000 सोल्ड फॉर 56,000, तो जितनी बुक वैल्यू है अपने बुक के अंदर बैलेंस कितना था 50,000, तो 50,000 लेस ये आएगा 44,000।
तो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड 44 क्या रहेगा 141 86 131 91 1 एक मिनट और क्या दे रखा ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग एक कैश सेल्स तो आ गया 50,000 अमाउंट पे ड्यूरिंग द ईयर 90 कैश परचेज और दे रखा था यार दोनों को टोटल करके दोनों का टोटल करके ये हो जाएगा 91 प्लस 40 कैश सेल्स कितना 40 ये आ जाएगा 141 ये हो जाएगा 191 6 हाँ बोलो क्या कह रहे हो नौ चार तेरह ये हो गया 181 6 126 1 171 37 less 1 34 less 50 ये आ गया 84 अब इनकम एक्सपेंडिचर में कैसे शो करना है यहां भी समझना है अभी क्योंकि एक और प्रॉब्लम है ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट अब ये जो 84 आया इसको कहां लिखना है एक्सपेंडिचर में या इनकम में हाँ इनकम या एक्सपेंडिचर हाँ तो यहां लिखेंगे टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम कितना काम में आ गया 84,000 अब अपन को प्रॉफिट भी हुआ बुक वैल्यू 50,000 सोल्ड फॉर 56,000 50,000 का मटेरियल अपन ने 56,000 में बेचा प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है प्रॉफिट तो इनकम होती है हमारी यहां लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 6,000 करो जल्दी समझ में आया क्या करना है करो
हो गया, वापस लिखो इक्वेशन, एक क्वेश्चन और कर लेते फटाफट, जल्दी से इक्वेशन लिखो। हाँ भाई एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट, क्वेश्चन नंबर 30। अब इसमें एडवांस भी दे रखा है। सबसे पहले अमाउंट ये लिखा, कैश परचेज 46,500 और एक और दे रखा क्रेडिट परचेज ऑफ मेडिसिन 2,76,000। अब ये क्रेडिट परचेज क्यों दे रखा है यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट। अब अगर क्रेडिट परचेज दे रखा तो अपन को ये निकालना है कि अपन ने क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट कैश में किया। ये अपना क्रेडिटर्स अकाउंट, अभी बताया अपन ने कि बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब बैलेंस बीडी देखो क्रेडिटर्स का कितना है 40,000 और